नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। आपके स्कूल कॉलेज में मार्कशीट जो है वो आ गया है, अब आपको कब लेने जाना है। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है इंटर मैट्रिक मार्कशीट 2021 के लिए। जो भी छात्र इंटर मैट्रिक 2021 में परीक्षा दिए हैं, अब मार्कशीट लेने के लिए उन्हें तैयार होने जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने लगातार आपको पहले ही बताया था कि आपका मार्कशीट जो है 26 जून को ही आपके स्कूल कॉलेज के लिए जिला कार्यालय में पहुँच चुका था। यानी जिला में जो आपका मार्कशीट जो पहुंच चुका था, सिर्फ आपके स्कूल कॉलेज नहीं खोले से इस कारण से जो है आप लोगों को मार्कशीट जो है आपके स्कूल कॉलेज में नहीं मिल पा रही थी। यहां पर देखिए क्या कहा गया, तो ध्यान से देखेंगे कि 12 जुलाई से यानी कि आज से राज्य के सभी सरकारी और निजी ब्राह्मी और ब्राह्मी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थान 25% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कक्षा 1 से 10 तक की खुलेगी नहीं, लेकिन शिक्षक एवं कर्मियों की 50% उपस्थिति रहेगी। यानी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन टीचर और कर्मियाँ जो है यानी कि दसवीं वाले स्कूल में भी आपके रहेंगे। यानी जो ऑफिशियल वर्क है वो होगा। तो बारहवीं और के स्कूल कॉलेज तो खुल ही रहे हैं और दसवीं तक के भी खुल रहे हैं, लेकिन छात्राओं के लिए नहीं, लेकिन जो कर्मी हैं वहाँ जाएंगे। यानी आपको पढ़ाई के लिए नहीं जाना है, कोई एडमिशन लेने जाएगा, कोई मार्कशीट लेने जाना जाएगा, किसी को दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो CLC लेने जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपके स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। SLC CLC जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, यानी इस कॉलेज से छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, इस स्कूल से छोड़कर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना, तो आपको SLC या CLC की ज़रूरत होती है। अगर आपका स्कूल में एडमिशन है तो वहाँ से आप नामांकन कटा के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको SLC लगेगा। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं तो CLC लगेगा। तो मार्कशीट लेने जाना तो ये दोनों चीज़ भी ज़रूर ले लेना, ताकि अगर आप मैट्रिक के छात्र हो तो इंटर एडमिशन में मेरिट लिस्ट के बाद आपको SLC मांगा जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं इंटर वाले, उनको मांगा जाएगा CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर वो कॉलेज से है तो। स्कूल से है तो उनको भी SLC ही लगेगा, ठीक है। तो आपके मार्कशीट जो है अब जो है आपके स्कूल कॉलेज में आप सभी को मिलने लगेंगे। आप यहाँ पे SKT एग्ज़ाम गूगल क्रोम पे सर्च करके भी अपने स्कूल कॉलेज का यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी ग्रामीण शहरी इलाका है सभी का SKT एग्ज़ाम जैसे ही सर्च करेंगे आपके, देखिए शुरू में ही आपको दिखा देगा यहाँ पे बिहार में स्कूल कब खुलेंगे। तो 12 जुलाई से खुलेंगे कि सभी शिक्षण संस्थान जो है 12 जुलाई से खुल रहे हैं, दसवीं के ऊपर वाले। तो दसवीं से नीचे वाले जो है सिर्फ आपके SLC CLC ये सभी देने के लिए खुलेंगे। और जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं वो सभी आपके स्टाफ जो है स्कूल कॉलेज जाएंगे। तो ऐसे में पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग कि आपको मार्क्सिट जो है बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से ब्राह्मी, IIT और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहां पे 12 जुलाई से यानी कि आज से आपके स्कूल कॉलेज जो है खुल जाएंगे। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, आधी अधूरी वीडियो देखकर कमेंट करोगे तब फिर कॉलेज जाओगे और घर लौट कर चले आओगे। देखिए यहाँ पे आज आपके खुल रहे हैं और यहाँ पे आपका मार्कशीट कहाँ है, तो आपको पता है कि जिला कार्यालय में आपका मार्कशीट जो है DEO ऑफिस में है, जिसे हम लोग जिला कार्यालय बोलते हैं। यानी आपका जिस ज़िला में आपका घर है, जिस ज़िला में आपके स्कूल कॉलेज है, उस ज़िला तक जो है आपके मार्कशीट जो है पहुंच चुके हैं। यानी एक ज़िला में तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज होते हैं, तो सभी स्कूल कॉलेज का मार्कशीट जो है एक ही जिला कार्यालय में आपका पहुंचा हुआ है। आज आपके स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, यानी आज से आपके कर्मचारी जो हैं यानी स्कूल के जितने भी स्टाफ है स्कूल कॉलेज जाना शुरू करेंगे। तो जो भी यहाँ पे पेंडिंग प्रक्रिया थी, जिसका सर्टिफिकेट कहीं पड़ा हुआ है या जिसका मार्कशीट कहीं पड़ा हुआ है, आज से आपके स्कूल कॉलेज में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 26 जून तक आपके जिला कार्यालय में पहुँच चुका था, तो आज आपके स्कूल कॉलेज खोलेंगे, ठीक है। तो आज सारा मेंटेनेंस होगा, आज अपने स्टाफ को भेजा जाएगा जिला कार्यालय, वहाँ डॉक्यूमेंट मिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जिला कार्यालय प्रिंसिपल को ही जाना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जाता है या उसके स्टाफ भी जा सकते हैं, कर्मचारी जा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बड़ा बाबू होता है, बड़ा बाबू भी जाता है लाने के लिए, तो उनको मार्कशीट जो है वो आज या कल में उनके पास जो है मार्कशीट चले आएंगे, और सभी स्कूल कॉलेज के जो बड़े बाबू होते हैं उन्हें जो लेकर जाएंगे और आपके मार्कशीट जो है आपके स्कूल कॉलेज में आ जाएंगे। इस प्रक्रिया में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। आज 12 जुलाई हो गया, ठीक है, आज आपका सोमवार है, तो आज खुलेगा तो आज जो है कोई लाने तो जाएगा नहीं, आज सिर्फ प्रक्रिया होगी, खुलेगा सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी। तो मान के चलिए कल, तो कल जो है आपके स्कूल कॉलेज के थ्रू जो है स्टाफ जाएंगे जिला कार्यालय लाने के लिए, और वो जो है 14 या 15 तारीख तक आपके स्कूल कॉलेज में लेकर जो आपके मार्कशीट जो है वो आ जाएगा लेट से, ठीक है। तो 15 जुलाई के बाद, क्योंकि यहाँ पे इंटर एडमिशन कब तक चल रहा है बाबू, 18 जुलाई तक, उसके बाद क्या है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो 18 जुलाई से पहले जो है आपके स्कूल कॉलेज में मेरिट मार्कशीट जो है वो मिलने लगेगा। 18 जुलाई से पहले, ध्यान सुनेंगे, 18 जुलाई से पहले तक सभी स्कूल कॉलेज में मार्कशीट मिलने लगेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इंटर का एडमिशन 18 जुलाई तक चल रहा है, और उनको आगे एडमिशन लेने के लिए स्कूल में उनको मार्कशीट चाहिए, और 18 जुलाई तक जो है आपके मार्कशीट उससे पहले जो है आपके पहुँच जाएंगे जो भी 10वीं के छात्र हैं उनके, और जो 12वीं के छात्र हैं उनके भी 18-20 जुलाई तक जो है वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको भी वहाँ पर क्या लेना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। तो एडमिशन लेना है, तो उनके भी स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है सेम काम करेंगे, और 18 जुलाई तक आपका जो है मार्कशीट पहुंचने लगेगा। हालांकि जो प्राइवेट वित्त रहित कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट वित्त रहित कॉलेज है, इनका काम जो है कभी कभी थोड़ा लेट से होता है, कभी कभी फास्ट भी कर लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ अगर आ जाएगा तो यहाँ लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ जब लेने जाओगे तो बोलेगा ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। प्राइवेट कॉलेज में दे देता है, सिर्फ अपना नाम बताओगे आपको पहचान जाते हैं वित्त रहित कॉलेज वाला, तो वो आपको दे देता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जब जाएंगे लाने के लिए तो आपको बोलेगा कुछ कि डॉक्यूमेंट लेके आए हो, ये चीज़ लेके आए हो, ठीक है, नहीं लेके आए तो जाओ लेके आओ, ठीक है। ये होता है सरकारी कॉलेज में थोड़ी सी बोलते हैं ना नौकरशाही वाली समस्या आती है, तो वहाँ पे आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है जो एडमिट कार्ड है, सबसे पहला चीज़ एडमिट कार्ड अपना लेके जाना, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम दिए हैं ना उसका एडमिट कार्ड, इंटर वाले इंटर का, मैट्रिक वाले मैट्रिक का, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और कर लेना, अगर आपके पास कॉलेज से पहचान पत्र मिला हुआ है, ठीक है, जो पासबुक साइज़ का मिलता है पहचान पत्र, वो अपना लेके जाना, ठीक है। कौन सा पत्र? पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका लेके जाना। तीसरी चीज़ जो है वो कोशिश करना कि अपना आधार कार्ड जो है अपने साथ रखने का, ठीक है। और जो लोग लाइब्रेरी कार्ड बना रखे हो कॉलेज से, कॉलेज में पढ़ते हो और लाइब्रेरी कार्ड बना रखे हो, वो अपना लाइब्रेरी कार्ड साथ में लेके जाना, क्योंकि जब CLC के लिए आवेदन करोगे ना तो आपको लाइब्रेरी कार्ड जमा हो जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी कार्ड जो है जमा हो जाएगा तब आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो मिल पाएगा। साथ ही साथ नो ड्यूज दिखाना पड़ेगा, रसीद वगैरह होगा तो नो ड्यूज का लेके जाना कि आपके स्कूल या कॉलेज में आपका कोई ड्यूज नहीं है, ठीक है। जो रसीद मिलता है ना गुलाबी या पीला कलर का, वो अपना लेके जाना, वो आप वहाँ पे दिखाओगे तो वहाँ पे जमा हो जाएगा और आपको जो है CLC ISLC साथ ही में मिल जाएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो बार बार आपको स्कूल कॉलेज दौड़ना नहीं पड़ेगा कि मार्कशीट लेके चले आए एडमिशन के लिए, फिर SLC लगा, फिर से स्कूल कॉलेज दौड़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो समझदार है पूरी वीडियो देख रहे हैं वो मार्कशीट भी लेकर आएंगे और अपना SLC CLC भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोनों काम आप कर लेना, एक भी काम वहाँ पे मिस नहीं करना, ठीक है ना। तो बस वीडियो को शेयर करके बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप 18 जुलाई से पहले अपना मार्कशीट जो है घर लेकर चले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।